शायर दी सोच बिना, शायर दी सोच बिना कागज कलम ने किस कम दे, कलम बिना शायर, शायर बिना कलम, दोवें ना हुंदे पूरे ने। बिना शब्द तो बंदा जिउणा सिखदा ना, बिना शब्द दे वेद ग्रंथ अधूरे ने। लिखिया तां पढ़ लैंदी शब्दां नूं दुनिया, पर समझण वाले शब्द नूं वधदे मूरे ने। बेजान कलम नाल जान जही जो पा दिंदे, अलफाज शायर दे कागज अमर बना दिंदे, अलफाज शायर दे कागज अमर बना दिंदे। मैं बैरीजोन एक्टिंग स्कूल के उत्ते एक्टिंग सीख रहा सी। मेरे सारा है उत्थे मैनू आके कहिंदे यार, कहिंदे क्या लग रहे हो, क्या एक्टिंग कर रहे हो। रोदर कहिंदा अमेजिंग, ओ माई गॉड, वीर रस्में भी बड़े अच्छे लग रहे हो। मैं कहा यार अज कोई बड़ा अच्छी चीज़ जी सुनने मिलने वाली, अज तो स्वाद है ना, लै भी मुंडा अज तो तू हीरो बन गया है ना। मैं कहा शाजिंग हूँ बंद थले, कहने विलन लगते हो। मैनू चढ़े गुस्सा, मेरी एक एज घट। मैं कहा यार मैं तो हीरो बन गया, इन्होंने तो लस्सी जी करके थले भेजता है ना। मेरे फादर साहब एक बार साढ़े ना एक इंसीडेंस हो गया मेरी फैमिली के नाल, घर तो गए सी तो वापस ही नहीं आए अज तक। असी उन्होंने बड़ा लभ्या, तो मैं एक पेन चले गया सी, एक डिप्रैशन फेस कर रहा। फिर मैं उस डिप्रैशन तो दूर जाने लई अपनी राइटिंग स्टार्ट करती। मैं कॉपी पेन नूं अपना दोस्त बना लिया। हाँ जी, मैं असल दे विच मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन लड़ चुके हैं बहुत सारे, जिदा मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मैं जित चुके जी काफ़ी बार। तो जे मेरे फिर भी चांस मिले तो मैं ऑनलाइन टाइम के चलो एक्ट तो कर रहा, मैं फिर बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन लड़ूंगा। कि तारिया के थले बैठ के गल्ला करना चाहोगे, सोनम बाजवा, नीरू बाजवा कि सरगुन? सरगुन। सत श्री अकाल जी, मैं हरलीन सानी, बहुत बहुत स्वागत है जी सारिया दा। तुसी देख रहे हो चैनल 7 ते अज अक्सर ना असी कोई ना कोई सेलिब्रिटी नाल तुहाडे नाल रूबरू कराने हैं, लेकिन अज जो मेरे नाल ने ना उन्हां नूं असी ऑल राउंडर कह सकते हैं, क्योंकि वो एक डांसर ने, डायरैक्टर ने, एक्टर ने, राइटर ने। मैं लगता आने वाले टाइम च एंकर भी बन जाएंगे, साड़ी नौकरी दे भी लत मार देंगे, साड़े पेट ते लत मार देंगे, क्योंकि वो सब कुछ है ने। एंड जो असं उन्होंने गल्ला बातें करा तो पता लग जाएगा वो कितना कुछ है। ऑलराउंडर जो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे नाल इस वक्त टाइगर शेर बैठे हुए हैं। कौन ने तुम खुद देखो जी। टाइगर हरमीत सिंह जी बैठे ने। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। पहला तो चैनल 7 देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। की हाल है सर? बहुत वधिया, तुसी सुनाओ जी। मैं बहुत वधिया। आन वाले टाइम च तुसी एंकर भी बनना? नहीं जी, मैं थोड़ा कम नहीं खोंदा, मैनू एक्टर ही रहन दो। अच्छा, तुसी जिद्दां तुहाडी इंट्रोडक्शन दित्ती, इहदे अलावा तुसी बहुत कुछ करदे हो लाइफ दे विच, राइट? लेकिन अज असी किसी मुद्दे नाल मिले आ। एक तुहाडा सीरियल आ रहा है जनूनियत, तुहाडे अंदर जिहड़ा जनून है वह जनूनियत दे विच दिखण वाला है। पहला तो दस दो कि जनूनियत दे विच तुहाडा की रोल एंड सीरियल है की है? मैं जी जनूनियत सीरियल दे अंदर नैगेटिव लीड करन जा रहा जी। बहुत ही प्यारा सीरियल आ, ये अपने कलर्स चैनल पर मंडे नूं आ जाना जी, अपने 13 तरीक नूं 8:30 बजे। सो बड़ा अच्छा करैक्टर मिलिया जी मैनू, इत्थे इहनूं प्रोड्यूस कर रहे साडे बड़े ही अजीज़ सरगुन जी ते रवि दुबे जी। बहुत ही प्यारा सीरियल आ जी, तो सारे देखो प्लीज़ ना, तो मैनूं प्यार जरूर दिओ। अच्छा, जनूनियत दे विच दो इदा दे शख्सियत ने जो बिग बॉस का हिस्सा रह चुके ने, एक तो अंकित है, एक गौतम भी हैगा, राइट? अंकित एंड गौतम नू असी देख लिया, उन्होंने जो प्रोमो कटे गए सी, बहुत सारा लोगों का प्यार भी उन्होंने मिलिया। लाइक तुसी भी इस जो हिस्सा बने, तुसी ये सोच के बने सी कि सरगुन मेहता तो रवि दुबे का आ रहा कि अंकित के गौतम बिग बॉस चो आए, मैं भी शायद बिग बॉस जा सकता हूँ? नहीं नहीं जी, इदा का मैं कुछ नहीं सोचा सीगा। असल दे विच मैं ना पंजाब दे विच नैगेटिव लीड कर रहा, मेरिया पिक्चर आ रही ने। मैनू सीगा मैनू कोई अच्छी ब्रेक मिले तो नैगेटिव लीड दी ही मिले। सो मैनू जदों मैनू ब्रेक मिलिया ना ये अंदर, तो मेरे एक ब्रदर ने इंदर जी, तो जिन्होंने जिन्होंने कॉल की कहने यार जूनियर सीरियल हो रहा, मैं कास्ट कर रहा, तो मैनू विलन चाहिए एक। तो मैं इंदर जी ने कॉन्टैक्ट किया, यार मैं मैंने विलन का तो मैं बड़ा क्रेज ही हाँ, मैंने भज के मैंने रोल दो यार, मैं आके करूँगा। जो उन्होंने मेरे टैसट ले तो देखिया कहते यार आओ, कहते बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैंने सिलेक्ट किया। तो मैं हाँ मेरा मेरा ड्रीम आ बिग बॉस मैं जाना चाहना, मैं थोड़ा लड़ाका ना इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे तो कह जिम्मे कि मैं विलन का रोल करना चाहता सी, लेकिन लोग तो हमेशा हीरो वाल भजते हैं ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना इस इंडस्ट्री के जिस इंडस्ट्री का आप हिस्सा है, जो तो विलन तुम देख लेंगे तो घर के इदा के बोलते यार की करता पाया इन परे करो, मतलब खुद इदा का करैक्टर बन जाते हैं जो घर के देखते होंगे। सो कभी नहीं लगे यार लोगों की गालां पैणगियां विलन बन जूगा?
हाँ जी देखो मैनू ऐ लगता जिदन मैनू गाला पैन गया ना मैनू पता लाजू मैं सुपर हिट हो गया मैनू गाला दी लोड़ा देखो जिहड़ी साडा भरा ने मेरी भैणा ने जां मेरी फैमिली तुसी सारे यार मेरी फैमिली हो है ना तुसी मैनू गाला भी कढोगे मैनू पता वह भी प्यार ही है मेरे लिए ब्लैसिस ने है ना तो एक एक्टर लिए यही हुंदा उहदे एक्ट नू पसंद किया गया जदों विलन नू गाला पैंदी आ तां सुपर हिट आ तो असल दे विच मैं तुहानू इह भी चीज़ क्लीयर करदा मेरा हीरो वाला फेस ही है नहीं है ना मैं कोई चॉकलेट ही हुआ नहीं है जी है ना जो मैं ये काम करा मेरे नाल एक किस्सा होया सी छोटा जिहा मैं थोड़े नाल शेयर कर लग्या जी मैं बैरीजोन एक्टिंग स्कूल के उत्ते एक्टिंग सीख रहा सी मेरे सारे आए उत्थे मैनू आके कहिंदे यार कहिंदे क्या लग रहे हो क्या एक्टिंग कर रहे हो रोदर कहिंदा अमेजिंग ओ माई गॉड वी रस्में भी बड़े अच्छे लग रहे हो मैं कहा यार अज कोई बड़ा अच्छी चीज़ जी सुनने मिलने वाली अज तो स्वाद है ना लै भी मुंडा अज तो तू हीरो बन गया है ना मैं कहा छा जाएगा हूँ बंबे तू थले कहना विलन लगते हो मैनू चढ़े गुस्सा मेरी एक एज घट मैं कहा यार मैं तो हीरो बन गया इन्होंने तो लस्सी जी करके थले भेजता है ना तो फिर मैं क्या यार हौली हौली फिर मैंने सर ने समझाया जो मैंने इन्होंने चीज़ों की समझ लगी मैं समझ इस चीज़ मैं यार मेरी वाइफ ने मैंने समझाया तो मैं यार विलन अर्गा तो कोई होंगे ही नहीं सारी तो क्रैडिट विलन लै जाता है ना तो क्यों ना आप विलन ही ट्राई करिए तो फिर मैं समझ चुका से यार मैं विलन ही है तो मैंने विलन ही करना चाहिए हर चीज़ मैं बाकी ये चीज़ा हूँ होने लगी जिदा आपा जो कसौटी जिंदगी टू आया सीगा उस जो कमौलिका के किरदार नू ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही सी एज कंपेयर टू प्रेरणा तो होता है ना ये चीज़ा बहुत मैटर कर दिया विलन नू लेके है ना तुसी फिल्मा दी गलबात कीती तुसी फिल्मा दे विच भी विलन का किरदार निभाते हो राइट पहला तो चलो हर चीज़ ठीक है एक राइटर ते डायरेक्टर एक कहिंदे ना आपां एक्टिंग कॉपी कर सकते हैं शायद डायरेक्शन सीख सकते हैं लेकिन जो तुहाडी लिखती है वह कोई नहीं छीन सकता वह तुहाडे इधरों ही आती है तो राइटर किवें तुसी बने या तुहानू पता ही नहीं सीगा कि मैं राइटर हैगा भी है कि नहीं असल च जी मेरे फादर साहब ना कुछ किस्सा होया सी ते मेरे फादर साहब एक बार साडे नाल एक इंसीडेंस हो गया मेरी फैमिली दे नाल घर तों गए सी ते वह वापस ही नहीं आए अज तक असी उन्हां नू बड़ा लभिया मैं एक बचपन के एक बड़ी पेन चली जी मैं अपने जो मैं उन्होंने रिपोर्ट लिखाई सी पुलिस स्टेशन के अंदर मेरी उदो एक साल एज सी सो मैं एक फोन कॉल आता सी पुलिस स्टेशन तो यार एक अणपछाती बॉडी आई हुई आ ते तुसी चेक करो आके मैं पता नहीं अपनी उस लाइफ के किन्नी बॉडी के कफन चक चुके हैं तो मैं एक पेन चले गया सी एक डिप्रैशन फेस कर रहा सी फिर मैं उस डिप्रैशन तो दूर जाने लई अपनी राइटिंग स्टार्ट करती मैं कॉपी पेन नू अपना दोस्त बना लिया तो उस तो बाद फिर मैं मेरी मैंने डिप्रैशन चो कढ़िया मैंने इस चीज़ ने तो मैं अपने आप को कुछ गुरबाणी ना जोड़ लिया जी सवेर की रूटीन बन चुकी है हुण पाठ पूजा सवेरे करी दी जी अपनी टाइम पर उठ के अपना जिम का एक रूटीन आ तो एक मेरी राइटिंग ये मेरी लाइफ के नाल जुड़ गई है ना तो सो राइटिंग मैनू उत्थों मिली आ असल दे विच ते एक चीज़ होर भी मैं क्लीयर करना साडे गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राइटर होए ने जिन्हें भी साडे कवि होए ने जिन्ने साडे ग्रंथ लिखे गए ने विद्वानां ने लिखे ने वो सारे राइटर ही होए ने है ना सो ये सानू कितना ना कितों उन्हां तों अंश मिलदा जो साडे अंदर आ रहा तो मैं उन्हां उत्ते भी एक बड़ी ही प्यारी चीज़ लिखी सी ते मैं बोलण जा रहा जी शेर तो मैं हमेशा बोलदा शायर की हुंदा शायर दी सोच बिना शायर दी सोच बिना कागज़ कलम ने किस कम दे कलम बिना शायर शायर बिना कलम दोवें ना हुंदे पूरे ने बिना शब्द तो बंदा जिउणा सिखदा ना बिना शब्द दे वेद ग्रंथ अधूरे ने लिखिया तां पढ़ लैंदी शब्दां नू दुनिया पर समझण वाले शब्द नू वधदे मूरे ने बेजान कलम नाल जान जही जो पा दिंदे अलफाज शायर दे कागज़ अमर बना दिंदे अलफाज शायर दे कागज़ अमर बना दिंदे क्या बात है तुहाडी कहानी सुन के तो मतलब इदा बहुत चीज़ा कहिंदे ना हर चीज़ जुड़ी होंदी है कितों ना कितों जुड़ी होंदी है तो एक फादर एक प्यो का हाथ ना बहुत जरूरी होंदा है कहिंदे ना माँ तो सिर ते ऐशा होंदी है लेकिन प्यो दे सिर ते राज होंदा है तो है ना ये चीज़ा रहिंदी है तो जो इदा पता लगता है तुहाडे मदर की रैक्ट तो किन्ना क साथ दिंदे तुहाडा इस लाइन दे विच मैं ये पूछना चाहनी कि फैमिली सपोर्ट हैगा हाँ जी मेरे मदर ने जी इन लॉज फैमिली तो मेरे गुरमीत कौर जी मदर मेरी रब वर्गी माँ मैनू बहुत सपोर्ट कर रहे जी ना जो कदे मैं टुट जाना जां कदे थक के हार के बैठ जाना तो वह जिवें एक बच्चे उंगल फड़ के ठालिया जाता वह मैनू उंगल फड़ के ठाल दिया पुत उठ मैं बैठी हाँ तू कर तो मैनू बहुत सपोर्ट आ जी मैनू फैमिली तो जी मैनू मैं ब्लैसड हाँ मैनू बहुत अच्छी फैमिली मिली आ टाइगर
एक टाइगर नाम मेरे मन च सीगा कि अपना एक जो टाइगर है बॉलीवुड दे विच है ना दूजे तुसी ओदा ही पर्सनैलिटी तुहाडी बॉडी भी ओदा दी राइट नाम किदा सोचा सी उन्हां नूं देख के कि तुहानूं कोई कहिंदा सीगा यार दोस्त बोलदे ने ना टाइगर शेर इधर आ ए जी मैनूं बचपन तों नाम मिलिया मेरे फादर साहब तों ही है ना असल दे विच देखो सिंह सिंह नूं जे आपां इंग्लिश च बोलीए तां टाइगर बोलिया जांदा है ना तां ओह शेर आपां शेरां दी कौम आ है ना सो इसलिए ये सिंह ही शेर होंगे जी टाइगर ने टाइगर ही सिंह आ है ना सो इसलिए मैं उस नाम नू लैके चलिया भी असी असली सिंह सिंह टाइगर हाँ है ना तो टाइगर तो असी हाँ यार इसलिए मैं उस टाइगर लफ्ज़ नू जिंदा करने लिए अपने नाम दे नाल मेरे फादर ने जोड़ दिता सीगा टाइगर सिंह टाइगर हरमीत सिंह मतलब पहले ही बचपन तो ये चीज़ें है गया। अच्छा अपा ना टाइगर जी एक होर चीज़ हैगी है कि अपा सीरियल वाल अज ना लोग घट जान लग पे है ये गल नहीं है अगर सरगुण मेहता तो रवि दुबे प्रोडक्शन है तो पिछले जोड़ा उन्होंने सीरियल आया से उडारियों वो भी बहुत सुपर डुपर हिट गया सी लेकिन ता भी लोग हुण मंगते ने कट या तो वैब सीरीज़ का जमाना आ गया सीरियल तो वैब सीरीज़ हो गया लोग घट्टों घट देखना पसंद करते जल्दी खत्म हो गए आप दस एपीसोड देखिए तो कहानी सानू सारी पता लग जाए राइट तो तुम ये चुनाव क्यों किया कि मैं सीरियल वाल ही जावा मे बैटर रहेगा क्योंकि मैं लगता शायद तुम दस सकते हो इनू सही क्योंकि तुम एक्टिंग उस भी कर रहे हो फिल्मों च भी कर रहे हो तो सीरियल के भी कर रहे हो असल दे विच जी मेरे अंदर मेरी वाइफ भी बोलते कहने जनून बहुत भरया होया तो दूसरा सीरियल का नाम भी जनून ही था है ना तो देखो असी पिक्चर करते हैं पिक्चर करते हैं तो तुम महीने काम किया थिएटर च किन्ने दिन देखते हो यह सच्चाई है बहुत बड़ी है ना मैं देखो बयान कर लग्या तुम किन्ने दिन टीवी पर देखते हो ज थिएटर तुम किन्ने दिन देखते हो जाके है ना सीरियल एक डेली सिर्फ वो चीज़ आ जी थोड़ू रोज़ टीवी पर दिखाती है है ना तो इसलिए मैं चाहना मैं अपने भरावान रोज़ जुड़िया रहा मैं इसलिए चूज़ किया ओके ठीक है मैं तुसी दिखना चाहते हो हर दिन मैनू ये पर्सनली लगता शायद ऑडियंस भी मेरे नाल एग्री करेगी सीरियल जो आप करते ना सा हर एक अदा जिन्हों कहते खुल के आती है राइट जिदा सरगुण को कहा जाता है कि अगर वो सीरियल ना कर दी वो इन्नी वधिया एक्टिंग ना मतलब एक्ट्रेस ना होंगी राइट ये मेरे हाँ जी असल दे विच जी मैं हुण जदों सीरियल करन लग्या ना मैनूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया चलो मैं थिएटर च सीखिया बहुत सारिया चीज़ां सीखिया मैं पिक्चर तो भी बहुत कुछ मैं डेली कुछ नवा सीखदा है ना चाहे बट सीरियल दे अंदर जदों तुसीं काम करदे हो ना थोनू जो वन टेक देने पैंदे थोनू काफ़ी लंबे लंबे डायलॉग्स होंदे आ जिदां पेज पेज दे डायलॉग्स होंदे आ तां तुसीं थोनू मार्किंग कीती जांदी आ इदां बोलना इदां करना तो थोनू प्रॉपर उह निभाउणे पैंदे आ जिदे नाल थोड़ी एक्टिंग इन्नी कु निखर जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते है ना तो मैं मेरी एक्ट निखर रही है डे बाय डे तो मैं तो शुक्र गुजार हाँ है ना सरगुण जी का रवि जी का है ना क्योंकि सच्ची मेरी एक्टिंग निखर रही है ना इस सीरियल के नाल अच्छा मेरे को ना छोटी जी गेम हैगी मैं पूछ कुछ सवाल है कि रैंडमली तुसी आंसर देने हैं ठीक है तुसी जिन्हों कहते आप रैपिड फायर कहने है ना तुसी सोचना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ओके स्टार्ट कर दे सब तो पहले मैं दसो कि तीन जाणियां नूं अगर तुसी अपने लंच सेलिब्रिटी लंच ते बुलाना हो तो किनूं बुलाओ मेरी वाइफ जी मनी बोपर है जी सरदार योगेंद्र सिंह जी मेरे फादर साहब ते मेरी मदर है सब तो बड़ी सेलिब्रिटी है मेरी लाइफ दी सारे घर दे बुला लेने बिल्कुल बिल्कुल जी हुण देखो बाहरले खाना खा के चले ना बाहर तो जुत्तियां मार दिया इसलिए मैं अपने घर दे नूं खिला देना अच्छा टाइगर अगर एक्टर ना होंदे तां की होंदे मैं जी फिर बॉडी बिल्डर हुंदा लग भी रहे हो किसी ने को अप्रोच किया कि मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ या कुछ हाँ जी मैं असल दे विच मैं बॉडी बिल्डिंग दे कंपटीशन लड़ चुके हैं बहुत सारे जिदा मिस्टर इंडिया मिस्टर एशिया अच्छा। मैं जित चुके हैं जी काफ़ी बार तो जे मेरे फिर भी चांस मिले तो मैं आने वाले टाइम दे विच चलो एक्ट तो कर रहा मैं फिर बॉडी बिल्डिंग दे कंपटीशन लड़ूंगा अच्छा किरे नाल तारिया दे थले बैठ के गलबात करना चाहोगे मैं तीन नाम लूंगी उन्होंने विचों क्योंकि ये बोल देंगे मेरी वाइफ मेरी मम्मी तो अब मैं तीन नहीं मैं तीन नाम लूंगी उदा तो तुसी चुनना है ठीक है किदे नाल तुसी तारिया दे थले बैठ के गल्ला करना चाहोगे सोनम बाजवा नीरू बाजवा कि सरगुण सरगुण बचा कर रहे ने अपना नहीं नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे एक्ट्रेस ने वो अच्छा किदे नाल कैंडल लाइट डिनर करना चाहोगे तुसी सोनम बाजवा नीरू बाजवा या तुसी करना चाहोगे तानिया दे नीरू बाजवा जी नीरू बाजवा जी अच्छा तो आड़े सपना है किसी नाल मतलब तुसी इंटरव्यू करना चाहते हो किसी दा सेलिब्रिटी दा अगर तुसी मेरी जगह हो तो तुसी किसी सेलिब्रिटी दा इंटरव्यू करना चाहते हो मेरी वाइफ दा मैं उन्होंने बहुत प्यार करदा बच रहे ने नहीं असल दे विच ही सानू इंडस्ट्री च असी किते भी जाने ना है ना किसी शो ते भी जाने वो मेरे सीनियर ने
इस इंडस्ट्री वो 6 साल का काम कर रहा। मैं हमेशा बोलता मैं कहा यार मेरी वाइफ इदा इदा तो सानू एक नाम भी दिता क्या शाहरुख तो गौरी की तरह जोड़ी है इन्हों की सानू इंडस्ट्री बोलती है तो रब करे प्यार इदा ही बरकरार रहे है ना। तो मेरे लिए मैनू बहुत ही प्यारी वाइफ मिली है, मैं ये झूठी तारीफ नहीं करता सच्ची कहना बहुत ही प्यारी दोस्त मिली है मैंने वाइफ। अच्छा, जो इंटरव्यू करोगे की मेन सवाल इदा तुहानू तो सब कुछ पता होना लेकिन की पूछना की जाओगे? मैं यही पूछना चाहता भी अगले 7 जन्म च मेरे नाल रहोगे? रोमांटिक ही हो गया पूरा। चलो विलन भी रोमांटिक हो सकता ना। अच्छा फिलिंग द ब्लैंक्स, टाइगर सब तो ज्यादा डैश ने गुस्से वाले हो तुसी? थोड़ा है मेरा मेरा गुस्से दा लेवल, पर जो तो कोई गलत करता उदों नहीं, मैं बहुत हंबल हां जी। लगते नहीं गुस्से वाले? अच्छा जिदा तुसी कह लो टाइम सिर कोई नहीं आ रहा, प्रोफेशनल नहीं है लाइक सम, हां जी फिर वो थोड़ा चले जांदा है ना, पर मैं हुण अपने आप नु काफी कंट्रोल करदा उस चीज नहीं। टाइगर हेट डैश? मैं नशे नू बहुत हेट करता जी क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हाँ, मैनू बड़ा बुरा लगता जो कोई नशा करे जां कोई होर एक होर दूसरी चीज़ आ जी नंगेज़ ते उतरे जां छोटे कपड़े पा के जां चीज़ां तो मैं उन्हां तो भजदा है ना, मैं थोड़ा पंजाबी इतना जुड़िया हां। टाइगर लव डैश माई वाइफ ऑफ कोर्स माई वाइफ ते मेरे डैड। अच्छा तुसी लास्ट एक होर क्वेश्चन जिदा तुसी नंगेपुने की गल की जिन्हों आप न्यूडनेस कह दें थोड़ा, मैं इस उत्ते सवाल पूछना चाहनी हाँ छोटे कपड़िया तो प्रॉब्लम है कि इदा जदों न्यूड लैके काम असी करते उस तो प्रॉब्लम है? मैनू देखो जी छोटे कपड़िया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, मैनू प्रॉब्लम आ गंदगी फैलाउण तो समाज के अंदर जो कुछ क अंसर ने जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहा, तुसी इस चीज़ की या रोटी खा रहे हो है ना, किसी नू कैमरे पर एक्ट आवे ना तो तुसी उस बंदे के कपड़े उतार के कैमरे पर खड़ा कर दो तुसी है ना, ये कोई यार साडा समाज पोर्न थोड़ी इतने शूट हो रहा है ना, तो तुसी की कर रहे हो यार है ना, एक्ट दिखाओ। साढ़े पुराने टाइम के मधुबाला जी सके, मीना कुमारी जी सके, धर्मेंद्र जी है ना, राजेश खन्ना जी किन्ने एक्टर होया, तो मेरी वाइफ खुद जी पूरे दे पूरे कपड़े पा के सूट पा के काम करती है ना, अज भी तो सूट पा के काम किए जा सकते हैं, हुण एक किधर नूं तुरे होया है ना। टाइगर जी फिर एक होर सवाल है, तुहानूं याद होएगा रणवीर सिंह ने कुछ टाइम पहले महीनों पहले अपना न्यूड शूट कराया सी, शायद तुसी नहीं देखे बिल्कुल है ना, जिस बहुत लोगों ने हल्ला भी किया सड़कों पर भी आए, लेकिन उत्थे ही दीपिका पादुकोण का यह कहना सीगा कि ही इज ओके विद डैड दैन इट्स ओके। तुसी हुण आपां ना जदों कुड़ी इदां दी चीज़ां करदी शायद उन्हूं फांसी की सज़ा दे दिंदे आ या देश निकाले ही कर देंगे कि इनू तो कड्ढो इत्थों, वो मुंडे ने किया लेकिन वो अज भी फिल्म है, मैनू ये समझ नहीं आता अपना समाज की मुंडा कुड़ी हजे भी फर्क किया। मैं नहीं 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 फर्क की गल नहीं है, मैं थोड़ा इतने एक चीज़ क्लीयर कर दें, देखो जी सोच आ तुसी किसी इंसान की सोच नहीं बदल सकते, हुण थोड़ी सामने थोड़ी अपनी सोच होनी आ, मेरी कुछ अपनी सोच आ, इंसान उस तरीके खुद को दिखाना चाहता तो रहना चाहता रह सकता है ना, बट मैं वो चीज़ को मैं ये सिर्फ गल उन्हां नूं नहीं बोलिया, मैं सिर्फ डायरेक्टरां नूं कह रहा है ना भी तुसी ये चीज़ समाज के पेश ना करो है ना, एक बंदा करना चाहता तो कर दो है ना, वो शायद वो अपनी मर्जी आ, खुद की विशेष आ जिदे उत्ते तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अजकल का समाज हो चुका ये इदा का रह गया, तुसी अपने बच्चों को भी नहीं कुछ कह सकते है ना। सो इस किसी की कह सकते हैं, चलो वो तो एक बहुत बड़ी सैलीब्रिटी है ना कम करते हैं, पर वो उन्हां दी विश सी है ना, बहुत बड़े सैलीब्रिटी इसलिए असीं कुछ नहीं कह सकते। हाँ यही नहीं नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा असीं कह सकते हैं है ना, बट मेरे कहने का यह मतलब आ देखो उन्हां दी विश आ एक इंसान जिवें हुण मेरी विश आ असीं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, असीं भी तो कपड़े उतार के उत्थे बॉडी बिल्डिंग करते हैं स्टेजों के उत्ते है ना, उन्होंने अच्छा लग्या उस टाइम के उत्ते मूवमेंट इन्हों अच्छा लग्या तो उन्होंने कर लिया है ना, तो बट मेरे हिसाब नाल थोड़ा बचना चाहिए है ना इन चीज़ों तो है ना, क्योंकि साडे समाज से जो चीज़ा बुरा असर पाउंदियां चाहे सैलीब्रिटियां चाहे कोई है ना, सैलीब्रिटी एक अंग हुंदा समाज का, तो जो सैलीब्रिटी इदा दीज़ा कर लो तो समाज से बैड इफेक्ट पेगा है ना, तो उस चीज़ को बचा के भी निकल जाना तो उन्होंने भी आप अच्छा नहीं मना है ना। कह रहे हो कि पंजाबीयत नूं जिहड़ा है कायम रखना चाहिए, ये चीज़ कहना चाहते हो तुसी? ठीक है, मतलब तुहानूं शॉर्ट कपड़िया तो प्रॉब्लम नहीं है, तुहानूं डायरेक्टर की सोच तो प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि ए नाल फिल्म चल सकती है राइट? वो भी जी कुछ क परसेंट, मैनू डायरेक्टर्स तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैनू कुछ परसेंट जिन्होंने बिना मतलब तो इंडस्ट्री नूं बदनाम करके रखा होया, चंद लोग जिहड़े सिर्फ इस चीज़ लई जां गंदगी फैलाउण लई जां इस चीज़ की रोटी खाने लई इंडस्ट्री च आए हुए हैं है ना, तो मैं दूसरे किसी डायरेक्टर तो प्रॉब्लम नहीं, मेरा बहुत अच्छे रिलेशन ने मेरे डायरेक्टर के नाल, मेरे बहुत प्यारा इंडस्ट्री नाल, मेरी फैमिली आ है ना, तो कुछ क चंद परसेंट 2-4% होने जिन्होंने इस चीज़ को है ना धंधा बना लिया, एक साडा काम आ साडे असी पूजदे आ यार है ना इन चीज़ों एक्टिंग, तो इनू धंधा ना बनाओ प्लीज़।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੂਮਰਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਬੰਬੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਗਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਡੀਅੰਸ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਨੂਨੀਅਤ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਬਲੈਸਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਟਾਈਗਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੋਪ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨੂਨੀਅਤ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ 7। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।